वेलकम फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ हिंदी व्याकरण को, ठीक है। और ये जो हम हिंदी व्याकरण डिस्कस करेंगे, ये हम केवी के एग्ज़ाम के लिए करेंगे, जो केवीएस का एग्ज़ाम होता है उसके लिए। और केवीएस के एग्ज़ाम में देखिए विभिन्न प्रकार के और भी चीज़ें आती हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग पार्ट में सिलेबस बांटा हुआ है, और उसमें अगर हम केवीएस के एग्ज़ाम में पार्ट वन को देखें तो पार्ट वन में हम डिवाइड करेंगे इसको दो पार्ट में। एक आता है आपका जर्नल इंग्लिश, जर्नल इंग्लिश जो है ये आपका टोटल होगा 20 मार्क्स का। उसी प्रकार से आपका आएगा यहां पर जर्नल हिंदी, और ये भी आपका आएगा 20 मार्क्स का। ये दोनों पार्ट आपके दिए गए हैं 20-20 मार्क्स के। इन दोनों पार्टों को आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, और क्वालिफाई इसमें है मिनिमम आपको 5 मार्क्स लाना जरूरी है। 5 तो आना ही आना चाहिए, 5 के अगर आपका 5 से किसी में कम रह गया तो आप क्वालिफाई इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न हम उसको डिस्कस करेंगे, और आप देखिए यहाँ पर अगर मैं एग्ज़ाम का पैटर्न पूरी तरह डिस्कस करूँगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा ये लेक्चर, तो इससे अच्छा है कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक वेबसाइट है हमारी डिजीमेंटो, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए www.digimento.com, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है, इस पर आप जा कर के इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो केवीएस का एग्ज़ाम हम डिस्कस करने वाले हैं उससे रिलेटेड सारे लेक्चर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उनको आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और भी जो इन्फॉर्मेशन है पीडीएफ की और जो अदर इन्फॉर्मेशन रहेगी एग्ज़ाम से रिलेटेड कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, कितने मार्क्स का कौन सा सिलेबस आता है, वो सब आप लोग यहाँ पर जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इस पेपर को, और जो मैं आपके सामने पेपर डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं पेपर डिस्कस करूँगा आपसे 2016 का, ठीक है। हम 2016 के ईयर को यहाँ पर कंसिडर करके चलेंगे। मैं बहुत करंट वाला भी नहीं कर रहा कि 2000 आप कहेंगे सर 2017 कर लीजिए, तो अभी मैं वो नहीं कर रहा, पहले 16 का देखते हैं कि 16 में कैसा आया था, क्योंकि हम एक दो साल का पुराना लेके देखेंगे तो ज़्यादा हमें आइडिया रहेगा कि उस टाइम पे ऐसे आया था। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा सिलेबस क्या थोड़ा सा बदला, ठीक है, क्या उसमें बदलाव आए भी या नहीं आए, और फिर मैं उसके बाद दिखाऊंगा कि करंट में कैसे आ सकते हैं। तो हम ये सारी कंडीशंस को देखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं केवीएस से क्वेश्चन डिस्कस करना। हम यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है हिंदी व्याकरण से रिलेटेड, ठीक है। हम इन क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन है, मैं पढ़ लेता हूँ, यह है, ठीक है। यहाँ पे बात मैं किसकी कर रहा हूँ, यह है, इस एक पर्टिकुलर चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। यह कौन सा सर्वनाम है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब विकल्प आपके लिए क्या दिए गए हैं, पहला विकल्प ये कहते हैं कि संबंधवाचक है, ठीक। अब जो संबंधवाचक शब्द है, जो हम बात देखिए संबंधवाचक की हम बात करते हैं कि संबंधवाचक, अब जो हमारा ये वर्ड है यह है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या वो संबंधवाचक से किसी प्रकार से मेल खाता है, आप खुद सोचिए कि किसी प्रकार से मेल खा रहा है वो संबंधवाचक से। संबंधवाचक में क्या है, देखिए यहाँ पर हमेशा संबंध की बात होगी, और संबंध क्या है चलता है, मान लीजिए कि माता पिता आपस में संबंध है, पुत्र बेटा संबंध है। अभी पुत्र बेटा जो मैंने बोला, ठीक है, आपने समझ लिया संबंध है, लेकिन क्या वो सही संबंध है, पुत्र और माता पिता, ठीक है, पुत्र और बेटा चीज़ तो एक ही हो गई भाई, पुत्र है वही बेटा हो गया, लेकिन है वो संबंध में इंक्लूड ही, ठीक। और ऐसे हम बात कर सकते हैं कि जैसे माता पिता, पुत्र माता, पिता पुत्र, एक प्रकार से संबंध जिसका किसी एक से दूसरे का संबंध हो, ठीक। यहां पर हम क्या कह सकते हैं, जिसका किसी एक से दूसरे का कोई संबंध हो, संबंध हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम संबंधवाचक, ठीक। अब इसके अनुसार आपका जो अगला शब्द इसमें दिया गया है वो है पुरुषवाचक।
शब्द के अनुसार ही आपको पता लग जाता है कि जो पुरुषवाचक आपका अगला शब्द दिया गया है, पुरुषवाचक। ये जो पुरुषवाचक शब्द है, क्या ये यह से किसी तरह से लिंक आपको लग रहा है कि किसी तरह से यह से लिंक हो? यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर बात की जा रही है, इस पार्ट को देखिए आप, केवल और केवल पुरुष की बात यहाँ की जा रही है, ठीक है। ये पुरुष की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो हम पुरुष को लेके चलेंगे। अब यह क्या है? अब ये जो यह की बात कर रहे हैं, आपने कभी सोचा कि हम पुरुष को केवल यह बोलेंगे? एक पुरुष ही नहीं है, हम तो जैसे नॉर्मल चीज़ें बोलते हैं, यह कार है, यह बाइक है, यह इंसान है, यह जानवर है, ठीक है, ये पंखा है, ये एसी है, जिस पर आप पढ़ रहे हो वो क्या है? वो हम, अब मैं उसको वो बोल रहा हूँ, लेकिन आप क्या बोलोगे उसको? कि यह लैपटॉप है या फिर मोबाइल है, करेक्ट है? तो वहाँ पर पुरुष तो आ नहीं रहा, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब अगला आता है इसमें शब्द एक और, वो है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक ये शब्द है, निश्चयवाचक, ठीक। इसमें देखिए जो शब्द है निश्चय, ठीक, इस शब्द से पता लगता है कि यहाँ पर किसी चीज़ को निश्चित करने की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ को फिक्स करने की बात कर रहे हैं। जब यहाँ पर चीज़ को आप फिक्स कर देते हो, अब यह जो शब्द है उसमें आपने किसी चीज़ को फिक्स तो नहीं किया, वो तो एक फ्लेक्सिबल अवधारणा हो गई आपके लिए, क्योंकि मैंने अभी एग्जांपल में आपको क्या बताया, यह कुत्ता है, यह बिल्ली है, यह गाड़ी है, यह गधा है, ठीक है, यह इंसान है, यह जानवर है, यह आप ले रहे हो ना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया आपका, वो हो गया क्या? निजवाचक, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो गया। ये इससे कनेक्ट होता है, क्योंकि हमने तीन जो शब्द देखे, वो तीनों शब्द हमने देख लिए कि आपस में एक दूसरे से संबंधित नहीं है, वो तीन शब्द इसके लिए परफेक्ट नहीं बैठ रहे, सही नहीं बैठ रहे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 है, जो हमने अभी डिस्कस किया आपके सामने, उसका आंसर क्या हो गया आपका? ये निजवाचक, यानी कि उसमें जो स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आया उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? सेकेंड, ठीक है। अगला हम डिस्कस करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो हिंदी व्याकरण से ही है, उसमें आगे पूछता है। अगला क्वेश्चन में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आता है अहट, ठीक, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें कहा गया है अहट प्रत्यय से बने सही शब्द को नीचे दिए गए विकल्पों या फिर विभिन्न विकल्पों में से चुनिए, ठीक। अब आपको चुनना है, यहाँ पे इन्होंने क्या बात बोली है कि प्रत्यय से बने, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए, प्रत्यय से बनने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई और तो बात नहीं कर रहे, ये प्रत्यय की। तो हमें प्रत्यय को समझना है कि प्रत्यय क्या है। देखिए प्रत्यय क्या है, प्रत्यय होता है कि जो एक शब्द है, शब्द के लास्ट में लगने वाला ऐसा शब्द है, ठीक, जिसके लगने से उस वाक्य की एक अवधारणा बन जाए, एक मतलब निकल के आए, ठीक है। अब जो मतलब निकल सकेगा तब उसको हम क्या बोलेंगे? प्रत्यय। जैसे ऑप्शन में देखिए आपको क्या क्या दिया गया, ऑप्शन जो है आपको गिरावट, रहट, थकावट या कड़वाहट। अब जो शब्द है, अब देखिए प्रत्यय में क्या होगा, एक तो उपसर्ग होगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या? अव्यव। अव्यव क्या होता है? वह शब्द जो दोष, वो वह शब्द जो शब्द के पहले, ठीक है, लगकर शब्द का अर्थ बदल दे, ठीक। एक होता है पहले लगना, एक होता है बाद में लगना, और बाद में लगना भी होता है, शब्द को पहले लगना भी होता है, दोनों में क्या होता है? अर्थ हमेशा बदल जाता है, ठीक। तो इसके अनुसार आपका जो शब्द यहाँ पर हो गया ये अहट, इसके अनुसार देखिए आप इसमें देख सकते हैं जो अहट आ रहा है वो किस में आ रहा है? आपका जो फोर्थ है ना, कड़वाहट, ठीक है, फोर्थ जो ऑप्शन है आपका कड़वाहट, यहाँ पर जो ये वर्ड आ रहा है, ठीक है, ये देखिए ये जो ये वाला ऑप्शन है ना, ये वाला वाहट, इसमें क्या आ रहा है? वा में इसमें आ का आ रहा है, एक आ का आपको सुनाई दे रहा है कि आ रहा है। और देखिए जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया गिरावट, गिरावट शब्द जो है इसमें कहीं पर भी हा का, जो हमें हा चाहिए वो नहीं है, तो इस वजह से गलत हो जाएगा, ठीक। अगर मैं बात करूँ रहट की, ठीक, इसमें क्या है? इसमें आ का जो प्रोनाउंस है, आ की जो बात है, आ की जो धारणा है, इसमें से वो खत्म हो गई, तो इसलिए ये शब्द भी खत्म हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। एक शब्द इसमें और दिया गया हमको, हमको क्या है वो? थकावट, थकावट, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें भी हा जो है शब्द वो नहीं आ रहा, आपको दिखाएगा देखने को नहीं मिल रहा, तो जो हा शब्द की वजह से ये भी खत्म हो जाएगा, तो आपको जो सही शब्द यहाँ पर क्या मिलेगा?
कड़वाहट, क्योंकि इसमें आ का यहां पर आ रहा है कि आ पे जोड़ दिया गया है और हा और टा, ठीक है, तो इसके लिए आ गया आहट, ठीक, ये शब्द बनता है। तो आपका जो क्वेश्चन है जो आप इस जिसको हम डिस्कस कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो गया, 0.4 आपका आंसर हो गया 22वें का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द की शुद्ध वर्तनीय वाले शब्द का चुनाव कीजिए, ठीक है। आपने स्क्रीन पर देखा शब्द क्या है, शब्द इसमें दिए गए हैं दर्पण, द्रपण, दर्पण और तर्पण। अब देखिए हमें जो शब्द दिए गए हैं उसमें शुद्ध शब्द समझना है हमें, और शुद्ध शब्द हम जानते हैं कि जो आपने देखा स्क्रीन पर दर्पण, जैसे ये शब्द दिया गया है, ठीक है, दर्पण लिखने का सही तरीका ये है, ठीक। अब आप कहेंगे सर और भी तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन वो गलत क्यों है ये हम समझ लेते हैं। अब एक तरीका लिखा हुआ है दर्पण, ठीक, ये तरीका जो लिखा हुआ है, अब इसको अगर हम तरीके से खोल के देखें तो कैसे आएगा ये भाई, द प, अब जो रा जो है अगर इसको हमेशा पहले कंसिडर करते हैं तो अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ और ये कर दूँ, सॉरी मैं इसको ऐसे लिखूँ और ऐसे कर दूँ, तो क्या ये दर्पण हो पाएगा, नहीं, ठीक। उसी प्रकार से अगला वर्ड आपको दिया गया है ये दर्पण, ठीक, उसमें क्या है ये रा पहले इधर आ गया, अब इस रा को अगर मैं इधर ले जाऊँ, ठीक, तो ये ऐसे हो जाएगा ये, तो ये भी शब्द नहीं बनता दर्पण के हिसाब से, ये भी शुद्ध शब्द नहीं है क्योंकि ऐसा शब्द नहीं होता। उसके बाद में एक लिया गया है ये वाला शब्द और एक लिया गया है, अब आप कहेंगे सर ये वाला जो शब्द है वो इस वाले शब्द से मिलता जुलता है, तो ये वाला शब्द सही क्यों नहीं है, ये वाला शब्द इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये जो शब्द है आपका जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मैं सही बता रहा हूँ, यहाँ जो लिखा है मैंने, उस शब्द में रा ऊपर उड़ रहा है, और हम सब जानते हैं दर्पण हम लिखते हैं उसमें रा ऊपर उड़ा हुआ होता है, ना कि पहले यहाँ पर दिया हुआ होता, क्योंकि उस शब्द का एक अलग महत्व है, बस मैं आपको एक खोल कर समझा रहा हूँ कि कौन सा सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो शुद्ध शब्द हमें ढूंढना है, तो शुद्ध शब्द में क्वेश्चन नंबर 23वें में आपका 3 जो ऑप्शन है वो ठीक ऑप्शन है। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको देख लीजिए अच्छी तरीके से, एक अनार 100 बीमार, इस लोकोक्त का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। ऑप्शन में दिख रहा है आपको वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक। देखिए कोई भी वस्तु की हम बात करते हैं, अगर वस्तु थोड़ी होगी, थोड़ी मात्रा में होगी, और इसको चाहने वाले विभिन्न प्रकार के होंगे, ये अधिक होगा चाहने वाले, ठीक है, इतनी वस्तु ही नहीं है जिसको चाहने वाले ज़्यादा हो रहे हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लो होता ना कि कोई एक लड़की है उसको चाहने वाले 10 लड़के, अब क्या वो 10 से शादी कर लेगी भाई, संभव नहीं है, ठीक है, ये वो महाभारत का जमाना तो है नहीं कि भाई उठे वो द्रौपदी जरा 5 पति बना लिए, अब बना कर दिखाओ हिम्मत है तो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, संभव नहीं हो पाता, ठीक। इसके अगर इसके बाद में एक शब्द इसमें लिखा है, एक लाइन, एक और स्टेटमेंट दी गई है, मांग कम आपूर्ति अधिक। अब यहाँ किसकी बात की गई है, मांग कम की, मांग कम की, और क्या कह रहे हैं आगे, पूर्ति अधिक। अब जो मैंने यहां वाला एग्जांपल दिया उसको यहां पर डालकर देखते हैं, लड़के लड़कों की मांग कम है लेकिन पूर्ति ज्यादा हो रही है, कैसे उल्टा करके देखो, लड़की है कि लड़की को चाहिए शादी के लड़का, यहां 10 लड़के हैं यानी कि पूर्ति अधिक है, पूर्ति अधिक हो गई, ठीक। मैं आपको किसी और लैंग्वेज में समझा सकता था लेकिन आपको इस जनरेशन के और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा ऐसे, इसलिए मैं ये वाली वर्ड यूज कर रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मांग कम है, अब इनको 10 तो नहीं चाहिए, बोलो एक चाहिए, ऑप्शन इतने सारे इनके पास में, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और देखिए बाई डिफॉल्ट 10 ही है, ठीक है, तो ये 10 ऑप्शन है, अब 10 ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन चुन लेंगे अपने लिए, ठीक है। उसके बाद आता अनार को चाहने वाले अनेक लोग, ठीक है, अब ये देखिए ये शब्द ये अच्छा लगता है कि भाई अनार को, एक अनार 100 बीमार, अब अनार को चाहने वाले अनेक लोग, तो ये कोई वो नहीं है भाई, अनार को कुछ लोग चाहते भी है कुछ लोग नहीं भी चाहते, ठीक है, कुछ लोगों को अनार अच्छा लगता है कुछ लोगों को नहीं लगता, अब डिपेंड थोड़ी करता किसको अच्छा है कितने लोग हैं, हम उसमें कुछ कह भी नहीं सकते अनार को, और किस प्रकार के अनार की बात कर रहे हैं,
ठीक है, तो वो तो फिट भी नहीं होता यहाँ पर। अब आएगा इसमें अगला ऑप्शन जो दिया गया है, एक वस्तु के कम चाहने वाले। ठीक है, अब यही वो ऑप्शन देता है, ये जो वस्तु है इसके चाहने वाले कम, मतलब वस्तु की वैल्यू का कुछ भी हो। ठीक है, कितने लोग हैं जो ऑडी को चाहते हैं? ठीक है, कुछ जरूर थोड़ी सब ऑडी को चाहते हो भाई। एक तरफ ऑडी खड़ी है, एक तरफ मारुति 800 खड़ी है, दो अलग अलग गाड़ियां खड़ी हैं। अब उसमें से आपको मारुति 800 सोचो कितने लोग पसंद करेंगे? हर कोई तो ऑडी को देखेगा, हर किसी के दिमाग में क्या आएगा, ऑडी मिल जावे। करेक्ट है, कौन नहीं तो चाहेगा कि मारुति 800 मिल जाए। एक दो होंगे गरीब जो होते हैं ना, जिनकी सोच वैसी होती है बिल्कुल कि भाई दाल रोटी चल जाए। तो भगवान ये बोलता है तथास्तु, मतलब दाल रोटी चलेगी, मक्खन कभी नहीं आएगा दाल में। तो वही वाली बात यहाँ पर है। ठीक, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो ऑप्शन क्या हुआ, जो मैंने बताया, मांग कम पूर्ति अधिक, मतलब मांग कम है पूर्ति अधिक हो रही है। तो ये ऑप्शन सही होगा कि एक अनार 100 बीमार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। पहला ऑप्शन है, चार आदमी के लिए खाना बना दो। अब देखो यहां पे क्या हो गया, आदमी। ठीक, जब भी आप एक से अधिक की बात करते हो, मतलब अगर एक है तो आप उसको बोल दोगे क्या भाई आदमी है। लेकिन जब यहाँ पे एक से ज्यादा हो गए, मतलब दो हो गए, प्लस तीन कर दो, प्लस चार कर दो, अब यहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं इंसान। ठीक है, तो आप सभी को एक कैटेगरी में कह तो लोगे, तो ना बहुवाचक। ठीक है, तो उस प्रकार की बात है। अब यहाँ पे आदमी ना करके क्या आना चाहिए, आदमी हो, क्योंकि आप ज्यादा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो आदमी होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन में देगा चार, जब वो पहले बता रहा आपको कि चार की बात यहाँ कर रहा है आदमियों की। अगर यहाँ पर वो एक की बात करता तब आप आदमी लिखते कि भाई आदमी है, तब आप आदमी को लेकर बात करते, एक को लेकर के। लेकिन जब चार की बात कर रहा है तो क्या कर बात करेगा, वो बात करेगा इसके अनुसार आदमियों की, वो इनकी बात करेगा, और जब इनकी बात करेगा तब उसकी बात सही लगेगी। ठीक है, तो ये तो शुद्ध वाक्य नहीं हुआ। अगला देखते हैं, मैंने तीन कुर्सियां खरीदी। ठीक, मैंने तीन कुर्सियां खरीदी, सही लग रहा है वाला। अगला देखते हैं, मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए। अब देखिए यहाँ पे अनेकों शब्द आ गया, अनेकों। आप हमेशा बात करते हो तो अनेकों बात नहीं करोगे, आप बोलो अनेक। ठीक है, अनेक शब्द ये सही होता है, अनेकों किसी प्रकार का शब्द नहीं आएगा इसमें। ठीक, क्योंकि भाई की शादी के लिए कभी आपने सोचा है, भाई की शादी के लिए अनेकों रिश्ते आए, अनेकों नहीं अनेक रिश्ते आए। अब ये मैं जाना सर, वो गांव देहात में लोग बोलते हैं, गांव देहात में कुछ भी बोलते हो, शुद्ध वाणी नहीं है, हमें शुद्ध वाणी की बात यहां करनी है। अगला है इसमें, दादी का प्राणी निकल गया। ठीक है, अब दादी का देखो प्राणी, प्राणी किसको हम बोलते हैं, अगर आपको ये पता तो आप इसको तो वैसे ही गलत कर दोगे। प्राणी हम बोलते हैं किसको, व्यक्ति को, जो व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, उसको हम प्राणी बोलते हैं। ठीक, तो इसको तो आप वैसे ही गलत करोगे, क्योंकि दादी के प्राणी, दादी का कोई व्यक्ति थोड़ी निकल गया कि बोले भाई दादी का व्यक्ति निकल गया, कैसे निकल जाएगा, दादी के प्राण निकलते हैं। बहुत सौ की दादी को निकल भी चुके होंगे और बहुत सौ की दादी के कगार पे होंगे निकलने की। ठीक, तो अलग बात है, कभी माइंड मत करना यार, मैं एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो प्राणी और व्यक्ति, उसका संबंध आपस में है। यहाँ पर क्या हुआ कि दादी के प्राण निकल गए, ये सही तरीका होगा। अब हमने क्या क्या सही किया, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही किया कि अनेकों की जगह पर अनेक आएगा। फोर्थ में क्या सही किया हमने कि प्राणी की जगह पर प्राण आएंगे, प्राणी की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर प्राणी नहीं निकले, प्राण निकल गए, प्राण, तो यहाँ पर प्राण आएगा। और जो पहली स्टेटमेंट थी उसमें क्या ठीक किया हमने, चार आदमी की जगह पर क्या आएगा, आदमियों। तो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट बची वो शुद्ध रूप से सही है, वो शुद्ध वाक्य है। अगला इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको पढ़िए, निम्नलिखित शब्दों में से शंकर शब्द कौन सा है। अब देखिए किस शब्द की बात कर रहे हैं यहाँ पे, शंकर, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए एक शब्द है कालीन, एक शब्द है सरासर, एक है रेलगाड़ी, एक है लिफाफा। देखिए हिंदी प्लस अंग्रेजी के जोड़ से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम
शंकर शब्द कहते हैं। मतलब अगर हम शंकर शब्द की बात करेंगे तो यहां पर हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, एक तो हिंदी, ठीक है, प्लस अंग्रेजी। जब हम इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो हमें शंकर शब्द मिलेगा। अब कालीन, कालीन में किसी एंगल से कहीं से भी आपको इंग्लिश का वो नजर आ रहा है कि भाई इंग्लिश है, ठीक है, फिर तो कालीन पेट होना चाहिए, तो कारपेट होता ना उस प्रकार से। सरासर, सरासर में आपको कहाँ से इंग्लिश का कोई मतलब नहीं आ रहा, ठीक है, लिफाफा नहीं आ रहा। शब्द है रेलगाड़ी, रेल गाड़ी। अब ये कैसे हिंदी इंग्लिश से बना इसको देखते हैं, क्योंकि जो रेल है वो जो शब्द है वो इंग्लिश का है, रेल, और गाड़ी आपका किसका हो गया, हिंदी का शब्द। मैं बताता हूँ, समझाता हूँ कैसे। देखिए रेलगाड़ी को आप शुद्ध हिंदी में सोचिए कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लापतगामनी। रेलगाड़ी का शुद्ध हिंदी शब्द है क्या है, लापतगामनी। अब लापतगामनी आप बोलेंगे तो आप शुद्ध हिंदी बोलेंगे, जैसे कि और शब्द लिखे हुए यहाँ पर, कौन सा, कालीन, सरासर, लिफाफा, ये सब क्या है, ये शुद्ध हिंदी के शब्द हैं। लेकिन जो रेलगाड़ी है वो रेल और गाड़ी दोनों को मिला के बना हुआ, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिला के बनाया गया। तो इसके लिए हमारा जो यहाँ पर उत्तर हो गया वो क्या हो गया, थर्ड, रेलगाड़ी, ठीक है। ये शब्द जो है वो शंकर शब्द कहलाता है आपका, ठीक। अगला देखते हैं, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित विकल्पों में से कवि शब्द का स्त्रीलिंग छांटी है। अब शब्द क्या दिया गया हमें, कवि, और इसका क्या छांटने के लिए कह रहा है वो हमें, स्त्रीलिंग, ठीक है, इस शब्द की बात कर रहा है। शब्द क्या क्या दिए गए, गायिका। गायिका जो शब्द हो गया, क्या वो किसी भी तरीके से कवि से कनेक्ट है, नहीं, क्योंकि गायिका तो एक संगीतकार जो गाना गाता है उससे कनेक्ट होता है, ठीक। उसके बाद में कवित्री, कवित्री जो है, अगर हम कवित्री शब्द को देखें, कवित्री, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता देखने के लिए, इसमें आपको कवि, क्योंकि जो कवि होगा वही कवित्री की तरफ इशारा कर रहा है, कवि है वो कवित्री है, क्योंकि कवि होता अगर फीमेल होगी तो कवित्री बोलेंगे, और जो मेल होगा था उसको कवि बोलेंगे हम, ठीक। उसके बाद में शब्द क्या दिया गया, काव्य, काव्य। अब काव्य में कोई भी ऐसा शब्द नहीं आता कि कवि है और इसका स्त्रीलिंग है, फीलिंग से पता लगता है। जैसे होता है ना कि पुलिस, आप शब्द बोलते हो पुलिस, अब कहने को तो भाई पुलिस में मेल भी फीमेल भी, लेकिन शब्द क्या लगता है, फीमेल टाइप का शब्द लगता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कविता, तो ये जो शब्द हैं, अब कविता में किसी प्रकार से, कविता एक नाम की तरह है कि एक नाम, आप लड़की का नाम लिख सकते हो कविता, ठीक है। तो अब कविता में कवि का जो स्त्रीलिंग है वो नहीं नजर आ रहा, तो कवि के स्त्रीलिंग के लिए हम जो शब्द यूज करेंगे सही शब्द वो होगा कवित्री, ठीक है, कवित्री, कवि का सही सही करेक्ट जो शब्द होगा वो कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन है इसमें, क्वेश्चन अगला आपके पास स्क्रीन पे, भेड़ चर रही है, इस वाक्य का सही बहुवचन रूप है कौन सा है वो देखना है। देखिए ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे होंगे, भेड़ चर रही है पहला ऑप्शन है, सॉरी भेड़ों चर रही है, अगला ऑप्शन है भेड़ चर रही है, भेड़ें चर रही है, भेड़ें चर रही हैं, या फिर भेड़ें चर रही है, ठीक। अब देखिए मैं इसको सब एक एक दिखाता हूँ आपको। पहले वाला जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा है हमने भेड़ो, ठीक है। अब देखिए जो भेड़ो शब्द लिखा है यहाँ क्या है, भेड़ चर रही है, हमें भेड़ चर रही है की बात करनी है, लेकिन यहाँ क्या लिखा, भेड़ो, और भेड़ो जैसा शब्द जो है वो भेड़ के लिए कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि एक मतलब भी नहीं बन रहा कि भाई भेड़ की हम बात कर रहे हो यहाँ भेड़ो क्यों आ गया, हम भेड़ों को भेड़ नहीं कह सकते, ठीक है, जिसको हटा दो अपने आप ही। उसके बाद अगला शब्द है भेड़ें, क्योंकि अगर बहुत सारी भेड़ हैं तो हम उसको ऐसे बोलेंगे भेड़ें, ठीक। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं ये शब्द सही है, क्योंकि हम बहुत सारी भेड़ों की बात कर रहे हैं, बहुत सारी भेड़ों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगला आ गया भेड़ें चल रही हैं, भेड़ें। अब ये शब्द है इसमें भी कोई भेड़ें मतलब ऐसा कोई शब्द नहीं बनता, रेडे कर दो उसको आप, ठीक है। अगला आ रहा है भेड़ें
ठीक है, ये शब्द, अब देखिए ये शब्द और ये शब्द दोनों शब्द समान है, लेकिन आपने स्क्रीन पर ध्यान दोगे अगर क्वेश्चन को अच्छा देखा होगा तो इसके लास्ट में जो है लिखा है, ठीक है, इस वाले के लास्ट में जो है लिखा है उसमें यहाँ पे बिंदी है, तो ये आएगा भेड़े चल रही है, और इस वाले के लास्ट में बिंदी नहीं है, भेड़े चल रही है, तो है और हैं दोनों में अंतर आ गया। तो इसी हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन सही होगा कि भेड़ें चल रही हैं। ठीक, अगला ऑप्शन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प की पहचान कीजिए। देखिए यहां पे क्या हमें दिया गया है, बिना अवरोध के, बिना अवरोध के, ठीक है, अवरोध की जो बात आ गई इस पे हमें जोड़ देना है कि जहां पर शब्द को बोलते समय कोई अवरोध, कोई रुकावट आपके सामने नहीं आ रही। ठीक, अब ऑप्शन में क्या दिया उन्होंने, स्वर, घोष, व्यंजन या स्पर्श। देखिए जो स्पर्श हो गया कि स्पर्श ऐसा शब्द है कि आप उसको छूना, फील करना, वो स्पर्श टचिंग वाला। ठीक, व्यंजन हो गया, व्यंजन में भी आपको रुकावट मिलती है। मैं सीधे सीधे इस पर आंसर पे आता हूँ क्योंकि एकदम फैक्चुअल है। स्वर, आपने कभी स्वर को देखिए आप कैसे, आपको रुकावट नहीं आती है। आपने कभी संगीतकारों को गाते हुए सुना है? संगीतकार क्या करते हैं, स्वर को अच्छी तरह निकालते हैं अपने मुख से। ठीक है, सोचिए अगर उनके स्वर में कहीं रुकावट आ जाए तो उनका संगीत बेकार हो जाता है। ठीक, तो स्वर एक ऐसे वर्ण, ऐसे शब्द हैं, ऐसे वर्ण कहलाते हैं जिनके अंदर रुकावट नहीं आती। आपने सुना होगा ना, बहुत से आपने रियलिटी शो भी देखे होंगे, उसमें आते हैं बच्चे, आते हैं कुछ वयस्क लोग भी आते हैं, वो अपना अपना गाना प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, जज बैठे होते हैं, वो बोलते हैं कि आप ऐसे स्वर को खींचते हुए ले गए और हल्का सा आप यहाँ पे झिझक गए, तो क्या वो रुकावट आ गई, तो इसके लिए आपका खराब हो गया। ठीक, तो स्वर में जब तक आपका फ्लो में चल रहा है, एकदम स्मूथ चल रहा है, तब तक वो अच्छा है। रुकावट आ गई तो स्वर नहीं रहा, खराब हो गया आपका स्वर। तो स्वर ऐसी चीज है जिसमें कोई रुकावट नहीं आती, तो इसका सीधा सा आंसर आपका हो गया स्वर। ठीक है, ये इसका आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे है, आपको दिखेगा, वर्तमान हिंदी का खाड़ी बोली, सॉरी खाड़ी मैंने बोल दिया, खड़ी बोली, ठीक है, नाम किस कारण पड़ा? ऑप्शन है इसमें, देखिए इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता है, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, हम खड़ी बोली की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है। अब देखिए जो खड़े खड़े सीखा जा सकता है तो बहुत अजीब सी बात है। ठीक है, ये तो ऑप्शन ही काट दोगे आप लोग, देखोगे कोई भी भाषा आप तो खड़े हुए सीखो, बैठे हुए सीखो, लेटे हुए सीखो, सुन के सीखो, कैसे भी सीख सकते हो यार, क्यों खड़े खड़े खड़ी बोली को सीखोगे? और मतलब बैठ के सीखो तो बैठी बोली हो जाएगी, वो तो ये नहीं हो सकता। इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, क्यों इसमें गाने नहीं गाते, म्यूजिक नहीं है, क्या नहीं, सब कुछ है इसमें, तो कर्कश वाली बात नहीं है, खत्म करो उसको भी। इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, इसमें एक थोड़ी सी बात तो है कि खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, लेकिन हम जहाँ पर जोड़ देंगे ना अधिक, हम उस शब्द को नहीं ले सकते। ठीक है, अधिक, क्योंकि अधिक में क्योंकि आप हर बात खड़ी मात्रा में कहना चाह रहे हो, खड़ी बात में कहना चाह रहे हो, तो वो संभव नहीं है। ठीक, अब जो शब्द जैसे लिखे जाते हैं वो तो वैसे लिखे जाएंगे ना, अब उसको जो मात्रा है, जहाँ पर मात्रा मान लीजिए छोटी आनी चाहिए, तो वहाँ पर आप कैसे बड़ी मात्रा लगा दोगे, तो उस प्रकार की बात है। अब इसमें क्या, इसमें खड़ी खोटी कहने की क्षमता अधिक है, और ये सही बात है। आपने कभी देखा होगा ना गांव देहात में, मिनट से पहले मुंह पर जो मर्जी बोल दे, फिर जो होता है देखा जाएगा, तो खरी कोटी कहने की ज्यादा क्षमता है इसमें। तो इसके अनुसार जो आपका ऑप्शन हो गया वो हो गया वन, वन इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, खरी बोली, जो खड़ी बोली है आपकी, उसमें खरी खोटी कहने की ज्यादा क्षमता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्प में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। सटीक शब्द की यहां बात कर रहे हैं, ठीक है, सटीक शब्द हमें सटीक शब्द निकालना है किसके, उसमें से देखिए, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। अब ये शब्द हो गया, इसमें देखिए पहला ऑप्शन आपके लिए क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया इसमें ज्ञानवान। ठीक है, अब देखिए ज्ञानवान का अर्थ क्या होगा समझ लेते हैं इसको, ज्ञानवान यहां पर इसको दो पार्ट में पार्ट कर देखते हैं, एक होगा ज्ञान,
ठीक है। ज्ञान का मतलब क्या है? आपको नॉलेज है, आप जानते हो बहुत चीजों को, ठीक है। ज्ञानवान यानी कि एक इंसान जो जान रहा है काफी चीजों को, उसको बहुत सी चीजों की नॉलेज है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सी चीजों की हम बात कर सकते हैं। उसके बाद एक वर्ड आया इसमें, सर्वज्ञ। अब ये जो शब्द है, देखिए सर्वज्ञ क्या है कि आपको हर चीज बहुत ज्यादा नॉलेज है। अब इस शब्द में और इस शब्द में अंतर क्या है? ज्ञानवान मतलब एक व्यक्ति है जो उसको थोड़े बहुत कोई टॉपिक है उसके ऊपर उसको ज्ञान है, नॉलेज है। मान लीजिए हम हिंदी की बात करें, हिंदी के ऊपर उसको नॉलेज है, फिर इंग्लिश के ऊपर उसको नॉलेज है, तो ये हो गया आपका क्या, ज्ञानवान। अब सर्वज्ञ की बात करें तो सर्वज्ञ उसको हम ओवरऑल नॉलेज कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक इंसान है वो कई चीजें कर रहा है, ठीक है, क्रिकेट भी खेल रहा है, क्रिकेट के बारे में उसको पता है, ठीक, चेस भी खेल रहा है, चेस के बारे में उसको पता है, पढ़ भी रहा है, पढ़ा भी रहा है, ठीक है, और भी कई चीजें कर रहा है, तो क्या है वो सर्वज्ञ ज्ञान, बहुत अच्छी नॉलेज उसको, यानी वो बहुत कुछ चीजों के बारे में जानता है। एक चीज को जानना और सर्वज्ञ बहुत सी चीजों को जानना अलग अलग बातें होगी दोनों। उसके बाद आता है सर्वत्र। अब जो ये चीज है इसमें क्या है कि देखिए ये पूर्ण रूप से बात होती है कि आप पूर्ण हो। अब किसी भी चीज में पूर्ण होना क्या संभव हो सकता है? अब मैं बोलूं कि देखिए ज्ञान एक ऐसी चीज है जो हर रोज आपको, नहीं, कुछ चीजें मेरे को पता होंगी तो आपको पता नहीं होंगे, आपको पता होंगी तो मेरे को पता नहीं होंगे। अगर मैं बोलूं मैं सर्वत्र हूं इसमें, तो ये गलत बात होगी कि आप सर्वत्र कैसे हो सकते हो, ठीक। उसके बाद आता है बुद्धिमान। अब जो वर्ड है बुद्धिमान, अब ये शब्द के लिए हम प्रॉपर ज्ञान की बात, इसको हम कैसे करते हैं, सब कुछ जानते हो, बुद्धिमान किसी भी फील्ड में हो सकता है बुद्धिमान, ठीक है। आपने किसी छोटी चीज को हल कर दिया, आप बुद्धिमान। अब बुद्धिमान को हम एजुकेशन में जोड़ लीजिए, एजुकेशन के बाहर देख लीजिए, जो इंसान समस्या का हल निकालेगा वो बुद्धिमान कहलाएगा। समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब यहां पर हम समस्या कह दिए कि सब कुछ जानने वाले को समस्या कहते हैं, नहीं। अब भाई जिस आदमी ने कभी पढ़ाई लिखाई ना की हो तो पढ़ाई लिखाई जानता नहीं हो, लेकिन वो बुद्धिमान हो सकता है और बुद्धिमानी से वो कई समस्याओं के हल निकाल सकता है, ठीक है। हालांकि हम उनको अनपढ़ है तो अनपढ़ ही कहेंगे उसको हम। अब अनपढ़ इंसान तो नहीं सब कुछ जानता होगा, ठीक। तो इसके अनुसार जो आपका सही आंसर हो गया वो हो गया सर्वज्ञ, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए वो आपकी स्क्रीन पे है। नीचे दिए गए वर्ण विच्छेद के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से चुनिए। सही शब्द क्या है? देखिए पहले मैं लिख देता हूं यहां पे अ जमा र, और रा में से हल निकल रहा है, फिर था, ठीक, था में भी ये निकल रहा है हल, ई क प्लस आ, ये शब्द है। अब इसके लिए हमें सही शब्द चुनना है। अब एक शब्द है आर्थिक, ठीक है, आर्थिक। अब जो आर्थिक है उसको हम शब्द मानते हैं आर्थिक। हमने कभी नहीं सुना भी आर्थिक क्या है, आर्थिक हम खुद भी नहीं जानते, ठीक है। एक शब्द है आर्थिक, इस शब्द को हम जानते हैं कि आर्थिक हम किसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में शब्द आता है आर्थिक, और इसमें हलंत वो गिरा देते हैं नीचे एक। अब ये जो इन्होंने गिरा दिया यहां पर, ठीक, इस शब्द में और इस शब्द में अंतर हो गया। क्या हमने कभी फाइनेंस में किसी भी चीज में हम देखते हैं तो ऐसा शब्द कभी लिखा हुआ देखा है? नहीं। और उसके बाद में हम इसको ऐसे कर देते हैं, ये देखिए, तो हमने देख, हम कुछ जानते हैं भाई ये तो मात्रा यहाँ पर आती नहीं, छोटी ही की मात्रा आएगी। तो हमारे अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग जो हमें शब्द यहाँ दिए गए इनको अगर मिला करके देखें आर्थिक, तो हमें आर्थिक शब्द हमारा ये बनता है, ये हमारा सही शब्द होगा आर्थिक, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शब्द जमा अर्थ, संधि से कौन सा शब्द बना है? तो यहां पे किस बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, शब्द जमा अर्थ, ठीक है, इसकी ये बात कर रहे हैं। अब इससे कौन सा शब्द बना है? देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया आपको, शब्दार्थ, शब्द अर्थ, शब्दा अर्थ, शब्द अर्थ, ठीक है। थोड़ा सा हल्का चेंज किया हुआ है, ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। देखिए स्वर संधि के पांच प्रकार होते हैं। अगर हम स्वर संधि की बात करें यहां पर,
तो स्वर संधि को हमने पांच भागों में बांटा हुआ अलग अलग, ठीक है, एक दो तीन सॉरी चार पांच। तो ये पांच प्रकार में हम स्वर संधि को बांटते हैं। तो यह दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है एक प्रकार से आपके, ठीक। अब मैं आपको वो सब नहीं बताऊंगा कि पांच भागों में कैसे बांटते हैं, ये सब बहुत थोड़ा लंबा हो जाएगा लेक्चर। तो इसके लिए हमारा जो सही शब्द बनेगा, अगर हम शब्दार्थ को जोड़कर देखेंगे तो हमारा सही शब्द क्या बनेगा, शब्द अर्थ, शब्दार्थ, ये हमारा सही शब्द बनेगा। यानी कि जो पहले वाला ऑप्शन दिया गया वो सही है, क्योंकि उसके बाद में देखिए एक में क्या है, आकर डंडा कम है, लेकिन वो अर्थ करके लिख दिया, तो शब्दार्थ ऐसे नहीं लिखते। हम खुद भी जानते हैं कि शब्दार्थ हम कैसे लिखते हैं। तो ये जो शब्द लिखा है मैंने, ये सही है शब्दार्थ के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। अगला क्वेश्चन है, यश का सही विलोम शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। यश की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यश जो है, यश का हम समझ लें, यश कहते किसको है, यश के जो अर्थ है उनको देख लेते हैं। यश में आता है क्या, आपका प्रशंसा, बड़ाई, कीर्ति, नाम। अब यह नाम को वो नहीं, किसी का नाम वाली बात नहीं, किसी का नाम होना, मतलब किसी का नाम, कहते हैं ना कि उस आदमी का बहुत नाम है, ये उस प्रकार की अवधारणा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत कीर्तिमान आदमी है, उस प्रकार की अवधारणा, मतलब इस आदमी की बड़ाई जितनी की जाए उतनी कम है, तो इस प्रकार की अवधारणा। प्रशंसा, ये व्यक्ति प्रशंसा के काबिल है, तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर आती हैं, ठीक। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है इसमें कुयश। अब कुयश जो है, ठीक, कुयश, अब इसको अगर हम देखें तो क्या बनेगा इसका, कुयश का मतलब, देखिए यश जो है इसके आगे कु लगा दीजिए, ठीक, उसको अपोजिट कर दीजिए आप, यानी कि बदनामी, कुविख्यात, कलंक, यानी कि जिससे आपका बुरा, किसी का बुरा है, मतलब किसी के लिए वो सही नहीं बैठ रहा, तो इस प्रकार से है कुयश। अगला इसमें देखते हैं, लिखा है सुयश। सु, आपने सुना होगा ना, जैसे होते हैं भाई सुकुमार, सुकुमार हम कैसे बोलते हैं, सुकुमारी शब्द बोलते हैं कि किसी की हम बड़ाई करने के लिए, मतलब कोई इंसान है कुमारा, बोलते हैं ना कि भाई सुकुमार, चिरंजीवी, तो ये क्या है, सुकुमार जो बड़ाई करने के लिए शब्द बना हुआ है, ठीक है, कि इसमें आप शानदार, बहुत अच्छी बात उसके लिए बोल रहे हैं कि सुकुमार राहुल पधार रहे हैं, ऐसा बोलते थे ना कि भाई राजा महाराजा जमाने में, आपने सुना होगा शब्द कि सावधान सुकुमार श्री श्री अकबर पधार रहे हैं, ठीक है, कि जमाने में अकबर जवान भी होंगे भाई, जब वो जवान थे तो ऐसे बोलते होंगे उनके लिए। उसके बाद आता है यशहीन, ये शब्द इसमें लिखा है यशहीन। अब यश में यहाँ लिख करके उसमें हीन जोड़ दूँ, अब देखिए जो हीन है, हीन जो शब्द है इसको अलग कर लीजिए थोड़ा सा, और हीन शब्द को समझिए, हीन क्या करता है, हीन भावना, अरे घृणा से भरी हुई भावना, उस प्रकार की, मतलब ये वाली जो आपकी चीज है ये, इसका पूरा ही अपोजिट ले जाइए आप इसमें, हीन में, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा इसमें, कि यशहीन, जिसका, जिसके पास कोई यश ही नहीं है, जो यश से अलग है, यानी कि जिसकी प्रशंसा नहीं हो रही, जिसकी कोई बड़ाई नहीं हो सकती, जो कीर्तिमान नहीं है, जिसका कोई कहीं पे नाम ही नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका यशहीन व्यक्ति। उसके बाद आएगा अपयश, जो अपयश है वो शब्द इसमें सही बैठता है, ठीक। यश का विलोम हम कह सकते हैं अपयश हो गया, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, फोर, अपयश। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसमें। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प शेष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसे छांटिए। यहां पे क्या है, पर्यायवाची शब्द छांटना है। अब जो ऑप्शन में दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं, देखिए भुजंग, अगला है विष धर, उसके बाद अगला है अही, ठीक है। ये जो शब्द हैं इसमें मैं दो जोड़ देता हूँ कि नाग या फणी, ये जो शब्द हैं ये सारे ही शब्द किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, सांप के लिए, ठीक है,
सांप के लिए सारे शब्द यूज किए जाते हैं। देखिए भुजंग का मतलब क्या है, वो जो लंबा होता सांप, अब ऐसे उसकी कई भुजाएं निकली पड़ी हैं, वो पंच वाला नहीं, उसको भूल जाइए। सिंपल सांप क्यों सोचिए कि एक मान लीजिए ऐसे करके ये सांप बना दिया मैंने, सांप है समझ लिया, अब रस्सी वस्सी वो नहीं, पतला बहुत है वो अलग बात है, लेकिन सांप एक बात समझ लीजिए। ठीक है, विषधर, विष को धारण करता है सांप, क्योंकि सांप बिना विष का तो वही बहुत ही कम देखता है। अही, ठीक है, ये भी सांप का ही नाम है। नाग, मणि, फणी, ये सब सांप के नाम है। तो इसमें बचा कौन सा आगे, इससे बचा आगे मकर, और मकर इनमें से किसी का भी नहीं है। तो हमारे इसमें क्या हो गया आंसर, मकर। ठीक, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला का जो क्वेश्चन है उसमें आगमन, ठीक है, शब्द दिया गया हमें आगमन। आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, किस चीज की बात कर रहे हैं, उपसर्ग पूछ रहे हैं हमसे, उपसर्ग निकालना है। इसमें नीचे दिए गए विकल्पों से चयन कीजिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिए गए पहले में अ, दूसरे में दिया गया अब, आग या फिर अ। देखिए उपसर्ग क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए कि उपसर्ग क्या होगा, वह अवयव जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल दें। ठीक है, मतलब कोई भी चीज होगी उसके शब्द का, हमने मान लीजिए लिखा है यहां पर अंकित लिखा, ठीक है, तो शब्द के पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। अब यहां पर जो है देखिए, एक शब्द इसको हम दो पार्ट में देखो, लिखा है क्या, गमन। ठीक, गमन आप जानते हैं शब्द है। अब शब्द के आगे हमने क्या लगा दिया, अ, उपसर्ग लगा दिया। ठीक, तो इसका मतलब क्या बन गया, आगमन। ठीक है, और इसमें आपका जो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पहले वो दिया गया अ। ठीक, अब मैं इसको गमन के साथ में अगर सोचिए ऐसा लगाता हूं मैं, अवगमन, तो शब्द में वो बात नहीं आती। ठीक, तो उपसर्ग नहीं है वो, तो इस वजह से हमारा जो आंसर वन हो गया इसमें करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, या किसकी बात कर रहा है, द्वंद्व समास की। ठीक है, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है ये कह रहे हैं। देखिए समास क्या है, और समास में हम द्वंद्व समास समझते हैं कि कितने प्रकार के, छह प्रकार के होते हैं टोटल। द्वंद्व समास के छह प्रकार है, पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास। ठीक, अगर मैं लिखूं इसको, लिखने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि आप बस सुन लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्व पुरुष समास, ठीक है, कर्मधार्य समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये आपको छह प्रकार के समास होते हैं, और आपको ऑप्शन में क्या क्या दिए गए थे, घर बाहर, ठीक है, हरी शंका। अब देखो इसमें शब्द दिया गया ना, हरी, सॉरी, हरी शंकर। अब इस शब्द में कोई आपको दो पार्ट में डिवाइड दिख रहा है, अगर हम शॉर्टकट में समझें कि जिस शब्द को दो चीजों में बांट दिया जाएगा, जैसे कि दो शब्दों में कैसे बांट जाएगा, दिन दिन, जैसे ऑप्शन में दिया गया दिन दिन, इसको हम दो शब्द में बांट दिया, इसको हम करते हैं या फिर एक ऐसे एक ऑप्शन देता हूं आपको, अलग अलग दो शब्दों में बांट दिया। ठीक है, जहां पर, क्योंकि इसमें देखिए यहां पर द्वंद्व की बात हो रही है, दुई की बात हो रही है, यहां पर दो की बात हो गई, यानी कि दो शब्द लिखे हैं एक प्रकार से। ठीक है, और आपके ऑप्शन में क्या दिया गया, हरिशंकर, इसमें दो लिखे ही नहीं, बाकी सब में दो लिखे हैं, तो ऑप्शन में जो आंसर ये हरिशंकर वो आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए वह पढ़ता तो पास होता, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं कि वह पढ़ता तो पास होता, इस वाक्य में कौन सा काल है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहां बात कर रहे हैं वह पढ़ता तो पास होता। ठीक, ऑप्शन में आपको क्या कह दिया गया, देखिए ऑप्शन में आपके हेतु हेतु मदभूत, ठीक है, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत,
देखिए, अगर हम हेतु हेतु भूत को देखेंगे, हेतु हेतु मध्य भूत को देखेंगे, तो इसमें एक आप ऐसे कर सकते हैं, मैं इसके आपको कुछ ऑप्शन देता हूँ। अगर मैं भूखा होता तो मैंने मिठाई खाई होती, एक उदाहरण के तौर पे। सामान्य भूत में हम क्या देख सकते हैं, मैंने मिठाई खाई, ठीक है, सामान्य बात है कि मैंने मिठाई खाई। दूसरा है पूर्ण भूत, मैंने मिठाई खाई थी, यानी कि पूर्ण कर दिया आपने, कर दिया उसको, ठीक है। अपूर्ण भूत, मैंने मिठाई, या फिर मैं मिठाई खा रहा था, ठीक। इसके बाद आपका पांचवा, अगर मैं देखूं इसमें, जो आप इसमें ऑप्शन चार दिए जाएंगे, तो पांच और छह में आपको दो बताया था एक्स्ट्रा। आसन्न भूत, यानी कि मैंने मिठाई खाई है, और छठा ऑप्शन आता संदिग्ध भूत, यानी कि मैंने मिठाई खाई होगी, ठीक है। तो यहां पर जो है वह पढ़ता तो पास होता, इस प्रकार की अवधारणा। तो यहाँ पे हेतु की स्थिति दिखाई दे रही है, ठीक। और देखिए, हेतु एक ऐसी चीज है जिसको समझना तो थोड़ा लंबा हो जाएगा प्रोसेस, हेतु भाष को हम अलग ही लैंग्वेज में समझते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको आंसर बताता हूँ कि इसके अकॉर्डिंग जो हेतु भाष है उसका, वो ऑप्शन में जो दिया गया ना, हेतु हेतु मद भूत, ठीक है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अगला ऑप्शन बोला मैंने, अगला ऑप्शन देख क्वेश्चन देखते हैं। और अगला ऑप्शन है इसमें, अगला क्वेश्चन है, जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है। नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। अब देखिए, जो विकल्प आपको दिए गए हैं वो कौन कौन से विकल्प हैं, कर्तव्यवाचक, भाववाचक, कोई नहीं, या फिर कर्मवाचक। अब देखिए, जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है, यहाँ प्रधान विषय की बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रधान विषय की बात क्या है, यहाँ पर ये प्रधान विषय कौन है, कर्ता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये कर्ता की जो बात कर रहे हैं, कर्ता क्या करे, कार्य करने की बात करें। अब जो कर्मवाचक है, कर्मवाचक एक अलग चीज हो जाएगी इसमें, कोई नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। भाववाचक, यहाँ भाव की तो बात नहीं हो रही, यहाँ पर क्या बात हो रही है, कर्तावाचक, ठीक है। तो इसमें आपका जो उत्तर आ जाएगा वो हो गया कर्तावाचक, ठीक। जो पहला ऑप्शन आपका है वो इसमें करेक्ट आंसर के तौर पे हो गया, ठीक। अब इसका लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, उसको देख लेते हैं एक बार। उसने टेढ़ी चाल चली, ठीक, उसने टेढ़ी चाल चली। अब यहाँ पे जो बात चल रही है वो टेढ़ी चाल वाली आ रही है, ठीक है। और देखो, थोड़ा बहुत अगर लिखने में ध्यान दिया तो मैंने भी टेढ़ी तरीके से लिखा ही है, ठीक। तो अब इसको वो मत सोचता कि टेढ़ी बात चाल चली और टेढ़ी मैंने चीज़ लिखी, वो चीज़ अलग है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा हंसाने के लिए, क्योंकि लेक्चर बोर जाता है, उसके लिए मैंने लिख दिया सर। अब वाक्य में कौन सा कारक है, हमें ये पहचानना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। ऑप्शन है पहला कर्ता कारक, दूसरा ऑप्शन है संबंध कारक, तीसरा ऑप्शन है अधिकरण कारक, चौथा ऑप्शन है कर्म कारक। अब देखिए, जैसे संबंध कारक जो है, जहां पर हमें बात मिली देखने को, क्या संबंध की, अब यहां पर क्या है, यहां पर संबंध कारक, मतलब संबंध की बात हो रही है। अब टेढ़ी चाल चली, इसमें कोई संबंध थोड़ी है किसी से, भाई टेढ़ी चाल कोई किसी भी चल सकता है, मैं भी चल दूंगा बैठे बैठे टेढ़ी चाल, ठीक। अब इसमें कैसे आप किसी के संबंध को इंक्लूड कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, नहीं, संबंध की बात, संबंध में भी चलते हैं हालांकि, और संबंध के बाहर भी चलते हैं टेढ़ी चाल, अपनी अपनी मर्जी है सबकी, ठीक। तो अब इसमें क्या, अधिकरण कारक, अब अधिकरण क्या है, किस बात की आप अधिकता की बात कर रहे हैं, अधिकता की तो बात ही नहीं भाई, टेढ़ी चाल चल रही नॉर्मल सी बात है, तो अधिकता की कोई बात नहीं आ रही कि अधिकरण कारक हो जाए, तो क्या अधिकरण, कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन, कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो मैच ही नहीं खाते, तो उनको फट से काट देना चाहिए, और सीधा पेन से काट दिया करो, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, भाई ये वाला तो है ही नहीं, हटा दो इसको। उसके बाद कर्म कारक, अब यहाँ क्या, टेढ़ी चाल चलने वाली बात कर रहा है, उसमें कोई कर्म थोड़ी है, उसका कोई काम थोड़ी हो रहा है, उसमें कोई काम होता तो हम सोचते हैं कि कुछ काम हो रहा है उसका, ठीक है। और चाल चलने से क्या काम हो रहा है, जो भी उन्होंने चाल चली, वो कहते हैं ना किसी के खिलाफ चाल चलना, टेढ़ी चाल तो किसी के खिलाफ भी चल सकते हैं, लेकिन क्या उस चाल को चलने से उसका कोई काम हुआ, बाय डिफॉल्ट हो भी जाए, लेकिन बहुत संभावना ना भी हो, ठीक। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि कर्म की बात नहीं होगी। यहाँ है कर्ता कारक, यानी जो टेढ़ी चाल चलने वाली बात हो रही है, जो चल रहा है वो कर्ता है आपका, ठीक।
ये जो इंसान है ट्रेडिशनल चल रहा है, ये कौन है आपका यहाँ पे? कर्ता। और यह कर्ता की हम बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ जो आपका शब्द आएगा वो आएगा कर्ता कारक, ठीक। क्योंकि हमने जो क्वेश्चन देखा वाक्य में कौन सा कारक है, हमें कारक को पहचानना था यहाँ पर, हमें ना कर्म को देखना कि कर्म कारक क्या अधिकार, हमने सब कारक संबंध कारक भी हमने देख लिया क्या है। यहाँ जो क्या है कर्ता है, कर्ता है कोई चाल चल रहा टेढ़ी, ठीक है। तो आपका हो गया कर्ता कारक। तो आपका जो 40वें का ऑप्शन वन है वो आंसर हो गया आपका, ठीक। तो हमने यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, आई होप कि आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और हिंदी व्याकरण में देखिए आपको अच्छी तरीके से शब्दों को समझना पड़ेगा, जब आप शब्दों की पकड़ समझ लेंगे तब आप हिंदी व्याकरण को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था वीडियो के कि www.digimentor.com पे आप जा करके पूरी डिटेल वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं इस कोर्स से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।